हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अनादर लेक्चर ऑफ वर्टिब्रेट्स एनिमल डाइवर्सिटी पार्ट टू। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कोडेटा, प्रोटोकोडेटा एंड एग्नाथा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन डिस्कस किया था डिटेल में। नाउ ये फर्स्ट लेक्चर है हमारा जिससे हम टाइप स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारी फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर टाइप स्टडी जो दी गई है वो है एनिमल हार्डमानिया की। तो आज जो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डमानिया। सो ये पिक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ लाइव पिक्चर ऑफ हार्डमानिया। इसकी शेप, साइज और बॉडी को आप एग्जामिन कर सकते हैं कि ये किस तरह का एनिमल है। पिंकिश कलर का है। क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहले किसी भी एनिमल की टाइप स्टडी या उसका डिस्कशन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है। तो सिस्टमेटिक पोजीशन से हमें मालूम चलता है कि उसकी बेसिक कैरेक्टर्स क्या हैं। तो इसको कौन से फाइलम में रखा गया है? तो ये है फाइलम कॉर्डेटा का जंतु। कॉर्डेटा का जंतु है, इसका मतलब इसकी बॉडी में थ्री बेसिक कैरेक्टर्स जो कॉर्डेट के वो पाए जाते हैं, जो हैं फेरेंजियल गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड और नर्व कॉर्ड। दूसरा इसका सब फाइलम है यूरोकोडेटा। तो यूरोकोडेटा प्रोटोकोडेट्स के अंदर आता है। तो यूरोकोडेटा का जो मेन कैरेक्टर क्या है कि इसकी बॉडी के अंदर नोटोकोड पाया जाता है। और यूरो का मतलब होता है टेल, ऐसे जंतु जिसकी बॉडी के अंदर टेल के अंदर नोटोकोड पाया जाता है। और स्पेशली हार्डमानिया में जो इसका लार्वा होता है उसकी टेल के अंदर नोटोकोड पाया जाता है, जबकि इसका जो एडल्ट है उसके अंदर कोई नोटोकोड नहीं पाया जाता है। इसकी क्लास है एसीडीएसी। देन इसकी सब क्लास है प्लूरोगोना। ऑर्डर है इसका स्टोलिडोब्रैंकिया और जीनस जो है हमारा है हार्डमानिया। इसमें आप ये बेसिक इसका देख सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर अगर हम स्केच में बनाएं तो इसका शेप एंड साइज कैसा है, इसको हम डिटेल में दोबारा डिस्कस करेंगे जब हम इसकी बायो संरचना या इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। नाउ अब हम लेते हैं इसका डिटेल में इसका डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट, यानी का इसका फैलाव क्या है और इसका आवास और निवास क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये कहाँ पर मिलता है या कहाँ पाया जाता है? वर्ल्ड वाइड, यानी कि सारी दुनिया में ये पाया जाता है। दूसरा सेकेंड थिंग ये है इसकी कि इंडिया में वैसे तो इसकी 12 स्पीशीज़ है, लेकिन इंडिया में कितनी स्पीशीज़ पाई जाती है? इसकी 4 स्पीशीज़, जो कि इंडियन ओशियन से यानी कि इंडिया के समुद्र में पाई जाती है। उस 4 स्पीशीज़ में जो फर्स्ट 2 स्पीशीज़ है वो कहाँ मिलती है? शेलो कोस्टल वाटर, यानी कि छिछले पानी में पाई जाती है। जबकि दूसरी 2 स्पीशीज़ है, दूसरी 2 कौन सी, ये जो आपकी लिखी है दूसरी 2 स्पीशीज़, वो कहाँ पाई जाती है? डीप वाटर, यानी कि गहरे पानी में। देन आपका है इसका हैबिट एंड हैबिटेट। तो सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट हम देखेंगे हार्डमानिया का। तो हार्डमानिया जैसे कि एक प्रोटोकोडेट का जंतु है, तो प्रोटोकोडेट जंतु का जो मेन कैरेक्टर होता है वो क्या होता है कि ये सारे एनिमल्स कैसे हैं? एक्सक्लूसिवली मैराइन, यानी कि प्योरली कैसे हैं? ये समुद्री जीव है, यानी कि कहाँ पाए जाते हैं? सिर्फ समुद्र में या सी वाटर में। और दूसरा जो है इंडिया में देखें तो वो कहाँ मिलता है? शेलो वाटर्स ऑल अलोंग द इंडियन सी कोस्ट, जो इंडियन ओशन है हमारे उसके जितने भी सी कोस्ट यानी कि समुद्र के किनारों के आसपास ये पाए जाते हैं। और इट इज़ अ सॉलिटरी एंड सीडेंटरी एसिडियन। और इसकी हैबिटेट कैसा है कि ये सॉलिटरी है, एकल है। ये कैसा रहता है? एकल रहता है। और दूसरा सीडेंटरी यानी कि कैसा है? ये स्थानबद्ध, यानी कि एक ही स्थान पर बना रहता है या फिर चल नहीं सकता। इसकी बॉडी के अंदर कोई भी चलने के लिए ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए एक ही जगह पर पाया जाता है। और जनरली कहाँ पाया जाता है? फाउंड अटैच्ड टू रॉकी सी, समुद्र के आसपास जो चट्टान या रॉक्स हैं उसके ऊपर जनरली इसके ब्रॉड बेस से चिपका रहता है। नाउ दूसरा जो हमारा है, ऑफन 10 to 12 इंडिविजुअल्स ऑफ वेरियस एजेस आर सीन अटैच्ड इन द ग्रुप एट वन स्पॉट। जनरली क्या होता है, 10 से 12 एनिमल्स इसके एक जगह पे आसपास एक चट्टान पे दिखाई देते हैं चिपके हुए।
नेक्स्ट जो हमारी इसकी इम्पोर्टेंट बात है कि कुछ हार्डमानिया क्या करते हैं, कमेंसलिज्म शो करते हैं। कमेंसलिज्म का मतलब ये होता है कि जो दो अलग अलग तरह की स्पीशीज़ है किसी भी एनिमल्स की, वो एक दूसरे से इस तरह से जुड़ जाएं कि दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो। और दूसरा, ये रिलेशनशिप या इन दोनों के जो ये रिश्ता है वो कैसा है, परमानेंट नहीं है। यानी कि वो अगर अलग रहें तो भी जी सकते हैं और वो साथ में रहें तो भी जी सकते हैं। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म का जो इसका एग्जांपल है वो हम किस तरह से देख सकते हैं, जो मोलस्कंस होते हैं, मोलस्कंस जंतु कौन से होते हैं, जैसे कि हमारा पायला है, ठीक है, पायला है, सीपिया है, जो भी जिसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, जिससे हमें पर्ल मिलती है, मोती मिलती है। तो ये गैस्ट्रोपोड जंतु जो भी होते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर क्या मिलती, एक कठोर शेल मिलती है, या शल्क मिलती है, तो ये क्या करता है, उसकी बॉडी के ऊपर बैठ जाता है या चिपक जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलस्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है, जाता है, तो ये भी उसके साथ में क्या होता है, अपने प्लेस को चेंज कर देता है। तो इस तरह से क्या होता है कि जो हार्डमानिया एक ही जगह पर लाइफ टाइम नहीं बना रहता है, और उसको क्या मिलता है, दूसरे स्थान पर जाने से बेटर फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, और उसकी प्रजाति का फैलाव होता है। इन रिटर्न, इसके बदले में जो गैस्ट्रोपोड है, जिसके ऊपर हार्डमानिया चिपका है, उसको क्या फ़ायदा है, तो उसको ये फ़ायदा है कि जो हार्डमानिया की बॉडी होती है वो किससे ढकी होती है, एक खाल से, जिसके अंदर क्या होता है, स्पीक्यूज प्रेजेंट होते हैं, वो की कांटेदार होते हैं। तो जनरली इनको दूसरे जंतु जो है वो क्या करते हैं, इनका शिकार नहीं करते हैं, लेकिन जो मोलस्कन हो जनरली उसको क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स उनको खा लेते हैं। तो अगर किसी मोलस्कन के ऊपर हार्डमानिया अगर उसके ऊपर क्या रहता है, चिपका रहता है, तो वो दूसरे एनिमल्स उस मोलस्कन को नहीं खा पाते हैं। इस वजह से जो मोलस्कन है उसको और हार्डमानिया दोनों को क्या है, एक दूसरे से बेनिफिट होता है। एक को क्या बेनिफिट हो रहा है, हार्डमानिया को डिस्पर्सल का, और मोलस्कन को क्या फ़ायदा हो रहा है, प्रोटेक्शन का। सेकेंडली, जो हमारा हार्डमानिया है जो कि स्थानबद्ध एक जगह पे बना रहता है, उसकी जो ऊपर की स्किन है उसके ऊपर देखा गया है कि कई तरह के छोटे मोलस्कन जंतु जो कि गैस्ट्रोपोड, डायटम, एल्गी, सी एनिमल्स किसको कहते हैं, जो भी सिलेंट्रेड्स हैं, नीडेरियंस है, पोलीजोन्स, बार्निकल्स, फ्लैट वॉर्म्स एक्सेट्रा क्या होते हैं, उसकी टेक्सटी या इसकी खाल जो होती है उसके ऊपर क्या होते हैं, उग जाते हैं या चिपके रहते हैं या रह जाते हैं। और अ ग्रीन एल्गी कॉमनली ग्रोज ऑन द टेस्ट ऑफ टीन्यू सो मच दैट इट मे हाइड एसिडियन कम्प्लीटली। एक जो ग्रीन एल्गा वो इतनी ज़्यादा मात्रा में इसकी बॉडी के ऊपर ग्रो करता है कि हार्डमानिया की बॉडी दिखाई नहीं देती। दूसरी बात, हार्डमानिया इज़ ए सीलियरी फीडर। सीलियर फीडर का मतलब ये होता है कि हार्डमानिया का खाने का तरीका क्या है। तो हार्डमानिया को जब क्लासिफिकेशन में हमने डिस्कस किया था कि वाट इज़ मीन्ड बाय सीलियरी फीडर, सीलियरी फीडर का मतलब ये होता है कि उसके बॉडी के अंदर सीलिया जो है वो क्या करता है, पानी को बॉडी के अंदर लाने में मदद करता है। एक तरह से जिस तरह से झाड़ू से हम प्रोपेल करते हैं किसी को चीज़ को, उसी तरह से इसकी बॉडी में जो सीलिया पाया जाता है वो हेल्प करता है खाने को बॉडी के अंदर पहुंचाने में। और ये माइक्रोफेगस एनिमल है, यानी कि छोटे छोटे जो जीव हैं उसको खाता है, जो कि क्या हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म प्लांट हो सकते हैं या एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डायटम्स हो सकता है, एल्गी हो सकती है, एक्सेट्रा। तो वाटर करंट ब्रिंगिंग फूड एंड ऑक्सीजन इनटू द बॉडी थ्रू ब्रैंकियल एपर्चर। तो इसकी बॉडी के अंदर दो अपर्चर यानी कि दो छिद्र हैं, एक को हम कहते हैं ब्रैंकियल एपर्चर, दूसरे को हम कहते हैं एट्रियल एपर्चर। तो जो हमारा ब्रैंकियल एपर्चर है वो एक तरह से इसका मुंह का काम करता है, और एट्रियल एपर्चर जनरली क्या करता है, जो बॉडी का अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड सबको क्या करता है, बॉडी से बाहर निकालता है। तो खाना, ऑक्सीजन, हर चीज़ उसकी बॉडी के अंदर वाटर करंट के साथ, पानी के बहाव से उसकी बॉडी के अंदर पहुँचती है, और एट्रियल एपर्चर के थ्रू जो भी उसकी बॉडी का अनडाइजेस्टेड अपच खाना है या वेस्ट जो हमारी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और दूसरे जो उत्सर्जन या एक्सक्रेटरी वेस्ट हैं या इसके जो गैमेट्स हैं वो क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, हार्डमानिया को जनरली हम क्या कहते हैं, सी स्क्विड्स।
सी स्क्वर्ड्स क्यों कहते हैं इसको, कि हर्ड मानिया कैन सडनली कॉन्ट्रैक्ट इट्स बॉडी टू स्क्विट वाटर साइमल्टेनियसली और इनडिपेंडेंटली थ्रू इट्स ब्रैंकियल एंड एट्रियल अपर्चर। यानी कि इसकी बॉडी के अंदर हमने देखे कि दो छिद्रे हैं, दो ओपनिंग है, जिससे क्या पानी इसकी बॉडी में आ और जा सकता है। और कभी कभी क्या होता है कि ये अपने बॉडी से एक साथ बहुत फोर्स के साथ, जर्क के साथ, दोनों में से किसी भी अपर्चर के साथ बॉडी के अंदर से पानी को बाहर फेंकता है। जिस तरह से अगर हम एक बैलून के अंदर पानी भर दें और उसको दबाएं तो जिस स्पीड से पानी उसके मुंह से बाहर निकलता है, सेम उसी तरह से ये भी करता है। इसलिए हम इसको कहते हैं सी स्क्वर्ड। हार्डमानिया इज हर्माफ्रोडाइट। तो हार्डमानिया कैसा है? हर्माफ्रोडाइट यानी कि इसके अंदर मेल फीमेल दोनों के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। जबकि फर्टिलाइजेशन इसका कैसा है? फर्टिलाइजेशन इसका एक्सटर्नली, यानी कि निषेचन किस तरह का पाया जा रहा है इसके अंदर? बाह्य निषेचन पाया जा रहा है, यानी कि सी वाटर के अंदर। और डेवलपमेंट कैसा है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इसकी जीवन काल या इसकी लाइफ साइकिल में क्या पाया जाता है? लार्वा पाया जाता है। उसके लार्वा को हम क्या कहते हैं? टैडपोल लार्वा। तो टैडपोल लार्वा कैसा है? फ्री स्विमिंग। तो जो ये एग देते हैं, निषेचन के बाद एग का डेवलपमेंट होता है, एग बनते हैं और एग के अंदर से क्या निकलता है? फ्री स्विमिंग लार्वा निकलता है। और ये लार्वा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है। देन आफ्टर ब्रीफ एग्जिस्टेंस द लार्वा सेटल्स अपॉन ए सबस्टाटम एंड अंडरगोस रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस टू बिकम द डीजनरेट सिसाइल एडल्ट। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो लार्वा फ्री स्विमिंग था, यानी कि इजीली मूव कर रहा था एक स्थान से दूसरे स्थान पर, खाना खा रहा था, और जैसा कि हमने इसकी क्लासिफिकेशन में भी देखा कि जो इसका लार्वा है उसकी बॉडी के अंदर जितने भी कॉर्डेट के बेसिक कैरेक्टर्स है, यानी कि डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड है और इसकी जो फेरेंजियल गिल स्लिट्स है वो पाई जाती है। लेकिन जैसे ही ये मेटामॉर्फोसिस करता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, यानी कि जो एडवांस कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लार्वा के, यानी कि जो हम थ्री कॉर्डेड कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं, वो जनरली क्या होती है? डीजनरेट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं जैसे ही लार्वा किस में बदलता है? वयस्क में। तो इस तरह के मेटामॉर्फोसिस सारे एनिमल किंगडम में, सारे जंतुओं में सिर्फ कहाँ पाया जाता है? हार्डमानिया के अंदर। तो जैसे ही रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होता है तो जो लार्वा पहले फ्री स्विमिंग था वो क्या बन जाता है? सिसाइल एडल्ट, यानी कि सिसाइल एक स्थानबद्ध प्राणी बन जाता है। नेक्स्ट जो हमारा आता है इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो इसका डिटेल में हम अब हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी बॉडी के अंदर जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका एट्रियल साइफन है, इसका दूसरा ब्रैंकियल साइफन है। थैंक यू।